Good morning, student. Welcome to online class. Now I will explain you how to make a cross line. Fine. Today we draw a cross line in your dot workbook. Fine. बच्चों आज मैं आपको डॉट वर्कबुक में क्रॉस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करती हूँ, सिखाते हैं कि भाई डॉट लाइन हम क्रॉस लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे. फाइन, देखिए यहाँ लिखा है जॉइन द डॉट्स एंड मेक अ क्रॉस लाइन एज शोन. जैसे यहाँ दिखाई गई है उस तरह से आपको क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है. फाइन, देखिए बच्चे क्रॉस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे. जैसे इससे पहले जब मैंने आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी सिखाई थी ना बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी. तो स्लैंटिंग लाइन हमने टू टाइप्स की सीखी थी बच्चों, एक तो लेफ्ट टू राइट जो ड्रॉ होती है ना, ये देखो लेफ्ट टू राइट है ना, और दूसरी राइट टू लेफ्ट जो ड्रॉ करते हैं. तो ये टू टाइप्स की हमने स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी. फाइन, जब इन्हीं दोनों स्लैंटिंग लाइन को जब एक साथ हम ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले लेफ्ट टू राइट वाली और दूसरी राइट टू लेफ्ट वाली, दोनों स्लैंटिंग लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेंटर में से क्रॉस करती है. कहीं पे एक पॉइंट पे ये क्रॉस करती है ना, सेंटर पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है. फाइन, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस लाइन. फाइन, अब मैं इसको ड्रॉ करके सिखाऊँ आपको. देखिए ये आपके डॉट्स पे दिया है, हम इस डॉट्स पे ट्रेस करेंगे. ओके, फर्स्ट यू होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस एंड पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट लेफ्ट साइड. फाइन, एंड ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन टू लेफ्ट टू राइट. फाइन, इस तरह से आपने ड्रॉ की. नेक्स्ट सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ राइट टू लेफ्ट साइड, है ना. कैसे कि हमने सबसे पहले पेंसिल को यहाँ ऊपर इस डार्क डॉट पे यहाँ पे हमने रखी, उसके बाद लेफ्ट टू राइट चलते हुए हमने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की यहाँ सेकंड डॉट तक, ठीक है. उसके बाद फिर हमने इस डॉट पे अपनी पेंसिल रखी और राइट टू लेफ्ट चलते हुए हमने यहाँ नीचे वाले डॉट पे पेंसिल लेके आए, यहाँ तक लाइन एक ड्रॉ करी स्लैंटिंग लाइन. तो ये दोनों जब ड्रॉ होती है और यहाँ सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को कट करती है, क्रॉस करती है. फाइन, तो ये कहलाता है क्रॉस लाइन. बन गया ना बच्चों, क्या ड्रॉ हो गया, क्रॉस हो गया ना. ये देखिए इस तरह से क्रॉस बना. फिर से देखिए ट्रेस करते हैं हम यहाँ से, पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना. ये हो गई सेकंड, राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करते हुए चलेंगे हम, ये नीचे यहाँ टच करेंगे तो ये हो गई सेकेंड स्लैंटिंग लाइन. दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है, सेंटर में से. अब ये जो फिगर बनता है बच्चों क्या बना, क्रॉस लाइन. ये फिगर क्या बना बच्चों, क्रॉस लाइन. फाइन, अब इस तरह से आप ट्रेस करते जाइए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये हो गया क्रॉस लाइन, है ना. इस तरह से आप ध्यान से इन डॉट्स पे ड्रॉ करेंगे, ट्रेस करेंगे और ये बनेगा आपका क्रॉस लाइन. फाइन, ये देखिए, ठीक है बच्चों. अब जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ कीजिए, है ना. हम इस पेज को कंप्लीट करेंगे, आप भी ये पेज कंप्लीट करना फटाफट से, इसको क्रॉस लाइन को ड्रॉ करते हुए, है ना. इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करते जाएंगे. फर्स्ट यू ड्रॉ लेफ्ट टू राइट एंड सेकेंड यू ड्रॉ राइट टू लेफ्ट साइड. ओके, इस तरह से ड्रॉ करते जाइए. और हमने क्या बना रहे हैं आज, हम क्रॉस लाइन क्या सीख रहे हैं बच्चों, क्रॉस लाइन ड्रॉ करना, ठीक है. ये देखिए केयरफुली ड्रॉ करेंगे बच्चों. देखो आपको पेंसिल रख के इस तरह से ड्रॉ करनी है, बट मैं आपको सिखाने के लिए आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए मैं इस साइड से कर रही हूँ ताकि आपको पिक्चर दिख सके, ये फिगर दिख सके, है ना. आप देख सकें अच्छे से कि मैम किस तरह से पेंसिल चला रही है ना, ऐसे. ठीक है, ये दोनों डॉट्स को आपको यहाँ डॉट्स तक लाके पूरा टच करना है पेंसिल को, है ना. यहाँ से ऊपर से नीचे से डॉट दिया, जैसे ऊपर वाला और नीचे तक, यहाँ तक, फिर इस साइड ऊपर से नीचे तक, है ना. इस तरह से इनको लाइन्स को पूरी ट्रेस करनी है. फाइन, ये डॉट क्रॉस लाइन बच्चों, ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है. ये डॉट्स वाली अभी हमने ट्रेस कर ली, उसके बाद विदाउट डॉट्स वाली भी आप ट्रेस करेंगे. यहाँ से पहले लेफ्ट टू राइट, देन यू ड्रॉ राइट टू लेफ्ट, इस तरह से आप इस पेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों. ये आप फुल कंप्लीट करेंगे, मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर पीडीएफ में सेंड करती हूँ, ठीक है. तो आप इस पेज को कंप्लीट करना. नेक्स्ट मैं अब आपको नेक्स्ट इसके बाद वाले सिखाती हूँ बच्चों. टर्न योर पेज, नेक्स्ट है पेज नंबर 21.
है ना। यहाँ आपको दिया है ज्वाइन द डॉट्स एज शोन, आपको ये डॉट्स को ज्वाइन करते हुए ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इस तरह की फिगर बनेगी बच्चों। ये फिगर देखने से हमें क्या याद आ रहा है बच्चों कि जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं इंग्लिश में, हम अल्फ़ाबेट लर्न करते हैं या लिखना सीखते हैं, तो आपने इस तरह की फिगर किसकी होती है, जेड की, जेड फॉर जेब्रा लिखते हैं ना बच्चों, जेड फॉर जेब्रा इस तरह से ही बनाते हैं ना, तो ये जेब्रा वाली फिगर बन रही है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आप देखिए ध्यान से, पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट एंड ड्रॉ अ स्लिपिंग लाइन, देन यू ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन टू राइट टू लेफ्ट साइड। ओके, आपने सबसे पहले स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड से ही नीचे लेफ्ट हैंड साइड तक आपने एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की, फाइन। उसके बाद आप यहाँ से लेफ्ट साइड टू राइट, लेफ्ट टू राइट आप एक स्लिपिंग लाइन, दूसरी स्लिपिंग लाइन एक और ड्रॉ करेंगे, है ना, पहले ऊपर की और फिर बाद में नीचे। इस तरह से ये फिगर बनता है जो कि जेड है ना, हम जेड फॉर जेब्रा जो बोलते हैं वो बनता है ना। तो ये वाली लाइन्स भी हम ट्रेस करना सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर से स्लिपिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन एंड अगेन स्लिपिंग लाइन, फाइन। ये बन गया हमारा फिगर जेड, जेड फॉर जेब्रा। इस तरह से इसको ट्रेस करते जाएंगे। ये हम ट्रेस करते जाएंगे बच्चों, है ना। कैसे किया, सबसे पहले ऊपर हमने पेंसिल इस फर्स्ट डॉट पे रखी, उसके बाद स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ से सेकंड डॉट से हमने एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद फिर एक और स्लिपिंग लाइन यहाँ तक ड्रॉ की, है ना। इन डॉट्स पे टच होनी चाहिए बच्चों, ये डॉट्स दिए गए, आपको लाइन यहीं तक ही ड्रॉ करनी है, इससे आगे नहीं बढ़ाना है, है ना, आपको लाइन बाहर नहीं निकालनी है। केयरफुली आपको ड्रॉ करना है, आपको लाइंस बनानी है ना, खींचनी है। ठीक है, इस तरह से कौन सी लाइन बन रही है बच्चों, ये फिगर तो बनता है जेड, जेड फॉर जेब्रा वाला, और इस पर हम लाइन स्लिपिंग एंड स्लांटिंग दोनों लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। इस तरह से आप विदाउट डॉट्स में भी देखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ से पेंसिल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रख के तो हम एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे या सेकंड डॉट तक, है ना, यहाँ तक लेके आएंगे लेफ्ट राइट, उसके बाद एक स्लांटिंग लाइन नीचे लेके चलेंगे राइट टू लेफ्ट, उसके बाद फिर से लेफ्ट टू राइट हम एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिगर जेड बनता ही है ना, तो इसको भी, इस पेज को भी आप कंप्लीट करेंगे फुल। नेक्स्ट ऑन योर पेज, नेक्स्ट लिखिए बच्चों, जब हमने क्रॉस लाइन और जेड वाला जो फिगर हमने ड्रॉ करना सीखा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आता है पेज नंबर 25, यहाँ पे आपके आती है जिगजैग लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन आती है बच्चों, जिगजैग लाइन, जॉइन द डॉट्स एंड मेक जिगजैग लाइन एज शोन, मतलब जहाँ यहाँ पे जो जिस तरह से दिखाई गई है उस तरह से आप जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे, फाइन। क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल को यहाँ रखेंगे, है ना, आपको ऊपर से ये ड्रॉ नहीं करनी है, आप जैसे ऊपर से करते हैं ना इस तरह से ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। क्या करोगे आप, यहाँ ऊपर वाले डॉट से इसको स्टार्ट नहीं करना है, ओके, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, ये नीचे जो फर्स्ट डॉट दिया है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, देखिए यहाँ से अपनी पेंसिल रखनी है, उसके बाद आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, एक स्लांटिंग लाइन नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ राइट साइड पे ये देखिए दूसरी स्लांटिंग लाइन, ठीक है। ये इस तरह से हम कंटिन्यूस जब इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से, तो जो ये लाइंस, जो ये जो फिगर्स बनती है बच्चों, ये बनती है जिगजैग लाइन। कौन सी लाइन बन रही है, जिगजैग लाइन, इसको बोलते हैं, ठीक है, जो अप एंड डाउन इस तरह से बनती है, ऊपर नीचे ले जाके बनेगी, एक तरह से जैसे कोई हिल्स होती है ना, उस तरह की बन रही है ना, या इसको हम कह सकते हैं स्लांटिंग लाइन, एक बार ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो ये बनता है जिगजैग लाइन। कौन सी फिगर बन रहा है बच्चों, जिगजैग लाइन। फिर से देखिए, ये नीचे से ऊपर, उसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे, ठीक है, स्लांटिंग लाइन पहले लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ्ट, सॉरी ऊपर से नीचे, इस तरह से आप कंटिन्यूस इसको ड्रॉ करते जाइए और इसे हम बोलेंगे जिगजैग लाइन, ठीक है, ट्रेस करेंगे डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, ठीक है। इस तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको पेंसिल कंटिन्यूस चलानी है। देखो फिर से, इसमें बच्चों आपको पेंसिल उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना,
आपको मतलब हाथ नहीं हटाना है, मैं आपको बताती हूँ। फिर से देखो, जैसे आपने नीचे से स्टार्ट किया ऊपर गए, फिर यहीं से वापस आप पेंसिल नहीं उठाएंगे, है ना, पेंसिल मत हटाइए और यहीं से वापस नीचे लेके आ जाइए इस तरह से। फिर यहाँ से फिर से ऊपर चल जाइए, फिर नीचे ड्रॉ कीजिए, है ना, इस तरह से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, टू स्लांटिंग लाइन कंटिन्यूस ड्रॉ होती रहेगी और ये बनता है जिगजैग लाइन, है ना। इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे, लाइक दिस, है ना। जैसे अपन ए फॉर एप्पल बनाते हैं, जब अल्फाबेट में लेटर ए फॉर एप्पल लिखते हैं, है ना, तो उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से बनती है ना बच्चों, टू स्लांटिंग लाइन ड्रॉ होती है, पर वो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, उसको ए फॉर एप्पल जब अल्फाबेट लिखते हैं तो हम ऊपर सेंटर पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस तरह से, है ना। लेकिन इस जिगजैग लाइन में आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करना, ये देखिए ना बेटा, इस तरह से आप ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। अब अपने आप ड्रॉ करना बच्चों, ये पेज सारे जो भी हम कर रहे हैं, आप डेली वन वन पेज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ, मतलब इतने सारे पेजेस एक साथ करें, है ना। ये मैं आपको केवल सिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग वन वन पेज भी कंप्लीट कर सकते हैं डेली, ओके। और खुद से ड्रॉ करना सीखना बच्चों, आपको आना चाहिए लाइंस बनानी। देखो बच्चों, आपको ये डॉट्स बुक इसलिए सिखाई जाती है, ये फिगर्स, ये लाइंस वगैरह, ये इसलिए बनाना सिखाया जाता है बच्चों, ताकि आप पेंसिल पकड़ना और इन फिगर्स को बनाना सीख जाएं। और इसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि आप, ताकि बाद में आपके जो कोर्स में जब आता है, जैसे अल्फ़ाबेट आते हैं, लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, है ना, हिंदी में स्वर व्यंजन आते हैं, तो आप वो उनको बनाना सीख जाएं, है ना। तो इस वजह से आपको जितने भी इस डॉट वर्क बुक में, आपकी जो डॉट वर्क बुक है, इसमें जो भी लाइंस और फिगर आपको सिखाई जा रही है, वो उस वजह से सिखाई जाती है ना, ताकि आप आगे चल के जब, जैसे कोर्स में आप 1 2 3 नंबर्स लिखना सीखेंगे, अल्फ़ाबेट लिखना सीखेंगे, इसके अलावा आप हिंदी में ये लिखना सीखेंगे, है ना, स्वर व्यंजन, तो ये सब आपको किसके बेस पर लिखना आएगा, इसके बेस पर। जब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे, तो आपको आगे सब्जेक्ट में जो लिखना होता है हमें, वो आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज आप यहाँ तक पेज नंबर 25 तक कंप्लीट करेंगे, ये जिगजैग लाइन तक, फाइन, जिगजैग लाइन तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद मैं आपको, इसके बाद बच्चों आपका ये बनता है स्क्वायर, ठीक है। ये मैं, ये पेज आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, इसके बाद आपको मैं आज ये भी बता देती हूँ। चलो, जॉइन द डॉट्स एंड मेक ए स्क्वायर एज शोन, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ये एक अलग फिगर बन रहा है बच्चों, देखो, है ना, ये जो फिगर बन रहा है बच्चों, इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लाइन्स हम जब ड्रॉ करेंगे ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन, तो ये बिल्कुल इक्वल होगी, है ना, ये चारों लाइन बिल्कुल इक्वल होगी, सेम होगी, मतलब मेजरमेंट में एकदम सेम होगी, इक्वल होगी, है ना। तो इस फिगर को बोलते हैं हम स्क्वायर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो फोर साइड्स होती है वो इक्वल होती है। स्क्वायर किसे कहेंगे बच्चों, जिनकी फोर साइड्स इक्वल होती है वो स्क्वायर कहलाता है, फाइन। अब इस स्क्वायर को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए, फर्स्ट यू पुट योर पेंसिल ऑन फर्स्ट डॉट एंड ड्रॉ अ स्लिपिंग लाइन, देन यू ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन, देन यू अगेन ड्रॉ अ स्लिपिंग लाइन, withdraw right to left side and you draw a standing line down to up, ठीक है। कैसे कि हमने सबसे पहले पेंसिल यहाँ रखी और एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ की, उसके बाद हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, फिर हमने वापस से एक स्लिपिंग लाइन नीचे ड्रॉ की और ऊपर लेके गए और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की, तो इस तरह से फोर साइड्स इक्वल हो गई, ये चारों लाइन बिल्कुल बराबर बराबर सेम बनी है बच्चों, है ना, एक साइज की बनी है, सेम साइज की, तो ये बनता है स्क्वायर। क्या बना ये फिगर, स्क्वायर। कैसे ड्रॉ की फिर से देखिए, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्टैंडिंग, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्लिपिंग लाइन, फिर यहाँ स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से भी स्टैंडिंग लाइन, नीचे स्लिपिंग लाइन, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ना, तो इस तरह से भी आप इजी रहेगा आपके लिए, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको फिगर बनानी आनी चाहिए कि हमने स्क्वायर कैसे बनाया, ठीक है ना। पेंसिल मूव करनी आनी चाहिए कि हम पेंसिल को किस तरह से चला रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना, ये प्रैक्टिस होती है बच्चों कि आप पेंसिल किस तरह से मूव करते हैं,
आपको किस तरह से कहाँ से कहाँ ले जानी है पेंसिल को, लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना, या ऊपर नीचे, ठीक है। अभी लाइंस तो आपको ध्यान आ गई होगी, है ना, कौन कौन सी लाइंस बन रही है इसमें, स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन, दो लाइंस इसमें ड्रॉ की जा रही है और फिगर बनता है स्क्वायर। क्या बन रहा है बच्चों? स्क्वायर, ठीक है, देखते जाइए आप। मैं आपको बच्चों 3-4 जो फिगर बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग 1-1 पेज कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक साथ 3-4 ये पेज कंप्लीट करवा रही हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे सीख सकते हैं, है ना बच्चों। आप अपने अकॉर्डिंग एक एक पेज करना, कोई प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, है ना, उनको बोलो कि हमारा हाथ पकड़ के हमें ड्रॉ करना बताए, हमें सिखाएं कि किस तरह से बनाना है ये, है ना। लेकिन आप खुद से बनाना, आपको इस पेज में, आपकी बुक में कंप्लीट खुद से करना है, फाइन, ठीक है बच्चों। तो डॉट वर्क में आज मैंने आपको पेज नंबर 29 यहाँ तक कंप्लीट करवाया है ना। तो आप कंटिन्यूस आपका एक एक पेज बच्चों, जैसे जो पीछे के पेज छूट रहे, ये भी एक एक पेज आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।